Guys, welcome to my YouTube channel, The Education Hub. And today we'll be starting. So today we will be starting future continuous tense. So आप मेरे sentences समझ ही गए होंगे कि we will be starting. So let's see how it will work. अब यहाँ पे बात आती है future continuous. अब पहले से आने वाला वक्त है और आने वाले वक्त में भी आप कर रहे होंगे कुछ काम. So, देखते हैं वो कैसे होता है. यहां पे सिंपल रहेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ यूज होगा विल. सो आपको पता ही होगा कि सिंपल फ्यूचर में भी हमने यही करा था. आई विल ईट, आई विल रन, मैं भागूंगा. ठीक है, आई विल ईट, मैं खाऊंगा. आई विल वॉक, मैं चलूंगा. एंड दैट इज हाउ सो विल बी यूज इन फ्यूचर. सब्जेक्ट विल. अब यहां पर एक टर्म यूज होगी बी. ओके, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. अब मैंने आपको आई एन जी के बहुत सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी दे दिए थे, फिर भी मैं आपको एक रिमाइंड कर देता हूं. लाइक बाय, सो बाइंग. क्राई, क्राइंग. डाई, डाइंग. रन, रनिंग. राइट, राइटिंग. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन मेक कंटिन्यूअस वर्ब. लेट्स मेक सम सेंटेंसेस हियर. Alright, Karan and Arjun. So Karan and Arjun तो बहुत सुने होंगे आपने. Karan Arjun भाई. Karan and Arjun will be becoming. Okay, become से verb बन जाता है becoming. Will be becoming friends again. So Karan and Arjun फिर से दोस्त बन जाएंगे, which will happen in the future. Alright? Ram will be helping. Alright? So Ram जो है will be helping. Ram मदद कर रहा होगा. Ram will be helping Raheem in his assignment. So Ram Raheem के assignment के लिए help कर रहा होगा. Okay? अब आगे बढ़ जाते हैं. She will be cooking. Okay? She will be cooking डिनर. सो वो क्या बना रही होंगी, वो खाना बना रही होंगी. शी विल बी कुकिंग डिनर. इसे आप आगे भी सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं. अभी तो फ्यूचर का था. शी विल बी कुकिंग डिनर इन द आफ्टरनून. सो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि घर की लेडीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. दोपहर से ही स्टार्ट करना पड़ता है रात के खाने के लिए. ओके, अब यहां पर कुछ और भी कर सकते हैं. सो शी विल बी joining, वो join करेगी. अब क्या join कर सकते हैं, she will be joining the army. So that's great, it's nice to hear that she will be joining the army. वो army join करेगी. अब army join कब कर सकती है, so she will be joining the army after this year, इस साल के बाद. She will be joining the army after January. ठीक है, before January. So कुछ भी sentences आप बना सकते हैं. After January means January के बाद वो join करेंगी. Before January, January से पहले वो join करेंगी. She will be joining the army after the exams. वो exams के बाद join करेंगी. And that is how you can make sentences. So that is very easy to make the future continuous tense as well. Okay? So let's make some more examples. All right, let's start with some other examples. Saima will be making. Okay, makes again making. Saima will be making a cake. So Saima cake बना रही होगी. Okay, ये तो एक हो गया. इसके और आगे भी जोड़ सकते हैं. Saima will be making a cake for her son. अपने बेटे के लिए बना रही होगी. Saima will be making a cake for her daughter.
अपनी बेटी के लिए बना रही होंगी, साइमा विल बी मेकिंग अ केक फॉर हरसेल्फ, खुद के लिए बना रही होंगी। सो इस चीज का याद रखिएगा कि जब हम हर यूज करेंगे तो उसके साथ खुद के लिए हो जाता है हरसेल्फ, और जब हम ही यूज करते हैं तो उसके साथ यूज हो जाता है हिससेल्फ और हिमसेल्फ। ओके, सो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा सेल्फ वाले, जो खुद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे के एग्जांपल पे पढ़ते हैं। अब यहां पे एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं हम। द बेबी विल बी स्लीपिंग, सो बेबी सो रहा होगा, किस टाइम सो रहा होगा, इन द आफ्टरनून। सो द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ऑलराइट, सो ये भी कितना अच्छा हो गया। अब देख लेते हैं, अब हम कहते हैं ना कि मैं अगले महीने मिलूंगा, या फिर मैं अगले वीक मिलूंगा, या फिर मैं तुमसे कल मिलूंगा। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट मंथ। सो मैं तुमसे, तुम्हें अगले महीने देखूंगा, या फिर मिलूंगा के लिए आप इसे कर सकते हैं, आई विल बी मीटिंग। ठीक है, सो मीटिंग कर सकते हैं कि मैं तुमसे मिलूंगा, सीइंग यू, मैं तुम्हें अगले महीने देखूंगा। इसको यू नेक्स्ट वीक की जगह पे आप कर सकते हैं, आई विल बी सीइंग यू टुमारो, मैं तुम्हें से कल मिलूंगा, कल तुम्हें देखूंगा, एंड आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते में। सो कैसे सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप उसे शफल कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड व्हाट यू ऑल नीड इज जस्ट प्रैक्टिसिंग। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट मेकिंग दीज सेंटेंसेस। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट अ कमेंट एंड लेट्स मेक सम अदर सेंटेंसेस। ओके, he will be writing, right, he will be writing a letter, वो एक letter लिख रहा होगा। अब किसके लिए आप लिख सकते हैं, he will be writing a letter to his mother, writing a letter in the afternoon, वो दोपहर में एक letter लिख रहा होगा। alright, so ऐसे आप sentences को construct कर सकते हैं। now he के बाद use कर रहे हैं मैंने she, she will be studying, वो पढ़ रही होगी। अब यहां पे सेंटेंस कंप्लीट है के फ्यूचर कंटिन्यूअस का, बट आप आगे भी जोड़ सकते हैं, she will be studying at library, वो लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी। यहां पे भी ठीक है, वो लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी, और इसमें जोड़ सकते हैं, she will be studying at library tonight, she will be studying at library tonight, वो रात में लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी। सो अभी आने वाला वक्त है जो आएगा, ठीक है, और उस वक्त वो लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी। अब शी विल बी स्टडिंग एट लाइब्रेरी टुनाइट के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं दे के साथ। सो दे विल बी बाइंग, ओके, दे विल बी बाइंग, वो खरीद रहे होंगे। अब क्या खरीद सकते हैं, वो दे विल बी बाइंग अ न्यू हाउस, एक नया घर, they will be buying a new car, वो एक नया कार खरीद रहे होंगे, they will be buying a new phone, एक वो एक न्यू फोन खरीद सकते हैं। ओके, सो आप इसमें बहुत सारे चेंजेस लाके अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल दी स्ट्रक्चर्स अंडरस्टूड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट and subscribe to my channel. Thank you guys.